हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के तहत आने वाले प्रसिद्ध एवं धार्मिक आस्था का प्रतीक किन्नर कैलाश यात्रा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। चोरी छिपे यात्रा पर जोखिम उठाकर श्रद्धालु ना निकले, इसको लेकर 2400 घंटे यात्रा मार्ग पर पुलिस का पहरा लगाने से जिला प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं। किन्नर कैलाश यात्रा को कोविड के चलते स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ साथ मार्ग विकट और सरकारी सुविधाएं ना होने से जोखिम पूर्ण होने के कारण यात्रा पर रोक लगा दी गई है, ताकि यात्रा पर निकले श्रद्धालु अनहोनी का शिकार ना हो। वैसे तो 6050 मीटर ऊंचाई पर स्थित किन्नर कैलाश यात्रा के लिए हर वर्ष हजारों श्रद्धालु जाते हैं, लेकिन कोविड के बाद यात्रा के लिए पाबंदी लगा दी गई है। जिला प्रशासन की संबंधित क्षेत्र की पंचायत व मंदिर समितियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद यात्रा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर संबंधित क्षेत्र की पंचायतों व मंदिर समितियों के प्रतिनिधियों की प्रशासन के साथ बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि यात्रा अगले वर्ष तक के लिए रद्द की जाती है। उन्होंने बताया कि यात्रा कई वर्षों से चल रही है, लेकिन ये यात्रा अव्यवस्थित है। इस यात्रा में ना तो सुरक्षा व्यवस्था, ना खाने और ना ही रहने की सुविधा है। अब निर्णय लिया गया कि एसडीएम कल्पा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी, जो सभी व्यवस्थाओं को अगले वर्ष के लिए बनाएगी। आज हमारी बैठक हुई थी किन्नर कैलाश यात्रा के लिए, तो सभी प्रधानों और जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही सुझाव है कि हमें इस साल ये यात्रा कैंसिल करनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड द कोविड सिचुएशन, और कीपिंग इन माइंड कि बाकी स्टेट में, बाकी ज़िलों में भी कोई भी यात्रा इस स्केल की नहीं हो रही है। तो हमने अब ये कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि इस साल जो है हम ये किन्नर कैलाश की यात्रा कैंसिल कर रहे हैं, अगले साल तक हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। तो बट इसमें एक चीज़ जो मीटिंग के दौरान मैंने पाया कि ये यात्रा पिछले कई सालों से चल रही है, बट इसमें कोई भी ये टोटली अनरेगुलेटेड चल रही है, इसमें कुछ भी रेगुलेटेड नहीं है। ये पता ही नहीं है कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, उनके पास कोई फैसिलिटी ऊपर तक नहीं है, ना नीचे आते टाइम है, ना खाने की, ना पीने की, ना ही रहने की, ना वॉशरूम जाने की, कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इट हैज़ बीन नाउ डिसाइडेड, ए कमिटी हैज़ बीन फ्रेम्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एसडीएम कल्पा एट कॉम्पियो, कि हम और उसमें सारे प्रधान, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, पुलिस के लोग होंगे, जो कि एक प्रॉपर प्लान अगले साल के लिए बनाएंगे कि हमें ये यात्रा कैसे करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें चाहिए, क्या क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ हमें चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ है कि 2019 में एक दिल्ली का एक यात्री जो था वो वहाँ पर कोलैप्स हो गया था, तो कोई भी मेडिकल फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल नहीं थी। तो हमें जो है जगह जगह पर एनरूट जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है, खाने पीने की व्यवस्था करनी है, वॉशरूम्स की व्यवस्था करनी है, और एक प्रॉपर ट्रैक बनाना है जिस पर कि आम बंदा जो है आराम से चल पाए। तो इसके लिए ये कमेटी तुरंत जो है एक रिपोर्ट देगी और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि अगले साल के लिए ये पूरा, ये जो यात्रा है ये पूरी रेगुलेटेड वे में चले।